गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि आपको पता है हमारे एजु गुरुकुल चैनल पे एक लेक्चर सीरीज चल रही है जो कि स्टूडेंट्स डाउट सीरीज। जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रेपरेशन, जो हमें हमारे टेलीग्राम के ग्रुप या हमारे यूट्यूब के कमेंट्स या जीमेल्स के थ्रू आते हैं, मेल्स के थ्रू आते हैं, उन सभी डाउट्स को हम इस सीरीज के थ्रू आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी कुछ लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट कोर्स या लेटेस्ट वीडियो, उसकी आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो स्टूडेंट डाउट सीरीज लेक्चर सेकंड टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है ये सुष्मिता जी ने पूछा हुआ है। हेलो सर। हेलो सुष्मिता जी, आई एम सुष्मिता प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2021। आई वॉन्ट टू आस्क हाउ टू राइट आंसर ऑफ सोशियोलॉजी बिस्ट टेस्ट सीरीज आई ज्वाइन बट टू डू I am very confused. Currently, I am following sleepy classes. They have uploaded whole sociology syllabus. Along with that, I am using Nitin Sangman book or Tushar Anshu sir notes. Is that sufficient or is it necessary to join coaching? I want to do answer writing, but I am not able to find any good videos on answer writing. Sir, please help me. Please do suggest what should I do. Shushmita ji, पहले तो ये देखिए, जो आप Nitin Sangman book प्लस जो तुषार अंशु सर के नोट्स कर रहे हो, प्लस मेरी पीपीटीज को आप कर दो, तो आपके पास, अगर आप मेरी पीपीटीज कर रहे हो तो आप तुषार अंशु सर के नोट्स भी स्किप कर सकते हो। तो नितिन सांगवान बुक को बेस बनाओ, प्लस मेरी पीपीटीज, ये दोनों अगर आप कर रहे हो, क्योंकि काफी चीजें जो तुषार अंशु सर के नोट्स थे और काफी चीजें हॉरलंबस इग्नो से मैं ऑलरेडी पीपीटीज में डाल रखी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह फिल्टर करके मैंने पीपीटीज में डाल रखा है ताकि जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही आपको पढ़ना पड़े। और जो आंसर राइटिंग का है उसकी मैं एक या दो दिन में वीडियो अपलोड करूंगा। एक्चुअली आंसर राइटिंग के लिए वीडियो मैं बनाने बैठता हूँ तो मैं बढ़िया वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं सभी एस्पेक्ट कवर करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत जल्दी अपलोड करूंगा वीडियो में। एंड अभी टेस्ट सीरीज आप 2021 में प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी आप टेस्ट सीरीज के बारे में मत सोचिए। अभी जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रखी है एक PDF फाइल, वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज हैं, तो आप उससे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, आंसर लिखिए और हमें मेल कीजिए। हम ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स को जो आंसर है वो फीडबैक दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब इवेल्यूएट करके उनको रिप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपने जो स्लीपी क्लासेस बोला, मैंने भी देखा था, लेकिन इनकी एक्चुअली जो वीडियोस हैं वो सिर्फ डेफिनेशंस हैं भी, मतलब किसी भी चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव कवर नहीं किया हुआ। जैसे कि मॉडर्निटी चैप्टर है, तो अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा यूट्यूब पे, तो मैंने मॉडर्निटी को पूरा एक 50 मिनट्स की वीडियो ली है। डिवीजन ऑफ लेबर मैंने 1 घंटा 1 आवर 7 मिनट्स, तो मतलब, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको को फिर कोई जब 50,000 रुपये की कोचिंग लगाने की कोई ज़रूरत ना हो, तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप बस कोर्स को पढ़िए, लेक्चर्स को, वीडियोज़ को देखिए, साथ में मैंने एक टॉपिक करवाया, जैसे आज मैंने जो अभी वीडियो अपलोड की थी वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने उस पर लेक्चर दिया था मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे, 38 मिनट्स की वीडियो थी। तो साथ ही साथ जब एक टॉपिक कवर कर लिया उसको नितिन सांगवान बुक से पढ़िए, और प्लस जो भी मेरे न्यू चीज़ें बताई हैं उसको आप साथ में इंटरलिंक कर दीजिए। तो ये आपकी प्रेपरेशन मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट थिंग इज मोर देन सफिशिएंट। आई होप सुष्मिता जी मैंने आपका आंसर दे दिया। अभी टेस्ट सीरीज का, अभी पहले आप जो पेपर का सिलेबस पूरा कर लीजिए, अभी टेस्ट सीरीज लिखने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज अभी आप इंटरलिंकेज नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ पेपर वन के आंसर में पेपर टू में इंटरलिंक होना चाहिए और पेपर टू में पेपर वन में इंटरलिंकेज। तो अभी पूरा सिलेबस कीजिए पहले, तो उससे आपका ये सही रहेगा, अदरवाइज आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे मार्केट में रिसोर्सेज हैं। आई होप सुष्मिता जी मैंने आपका जो आंसर है, क्वेश्चन है, उसको आंसर किया। बट अगर फिर भी आपको लगता है कुछ एस्पेक्ट मेरे से रह गया तो आप हमें मेल कीजिए, तो उसमें मैं आपका जो भी है आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सुष्मिता जी, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो व्हाट्सएप पे आया था, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी,
आपने जो बुक लिस्ट प्रोवाइड की है सोशियोलॉजी की, वही काफी है, वो मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट, दैट आर मोर देन सफिशियंट। तो उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी लेक्चर फॉलो करो चैनल पर, बहुत डिटेल में है लेक्चर। थैंक यू सर, यू आर वेलकम जी। रेफरेंस बुक से टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, रेफरेंस बुक से अगर आप करना चाहते हो, बाय द वे मैं अपनी पीपीटी में सभी से कर रहा हूँ, लेकिन अगर स्टिल आपको फिर भी क्यूरियोसिटी है तो हर लंबस बुक जो है, अगर मैंने आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा स्ट्रैटेजी, आप वो आई बटन में देख सकते हो, फर्स्ट बटन जो फर्स्ट लेक्चर है स्ट्रैटेजी वीडियो, तो उसमें मैं हर लंबस बुक के पेजेस बताए हैं, कौन कौन से पेजेस में आपको जो नोट्स हैं वो रेफर करने हैं। तो ये जो कोर्स है ये मोर देन सफिशेंट है, इससे यूपीएससी से बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर एक, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्यूचर क्वेश्चन, और एक टाइम के बाद जब मैंने आपको प्रॉपर जब पढ़ा दिया तो मैं कुछ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कुछ टॉपिक्स की देखेंगे, जैसे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ कोविड-19, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ माइग्रेशन, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टीचिंग का काफ़ी है, हम भी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो उसकी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट। तो एक बार मैं सिलेबस पूरा कर लूं, ताकि अगर मैं अभी से इसमें मुझे क्या है, जब भी किसी टॉपिक की सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करनी है तो उसमें क्या होगा, मुझे काफ़ी कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। अगर मैं अभी से वो करने लगूंगा तो आपके सारा ऊपर दिमाग से आएगा। मैं चाहता हूं पहले आपका एक बार मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर दूं, एक बार सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, भी कौन कौन से, मार्क क्या कह रहा है, इमाइल ड्रुकिन क्या कह रहा है, मैक्स वेबर क्या कह रहा है, ताकि हम उनके कंसेप्ट इनमें जब एनालिसिस करें उनमें अप्लाई कर सकें। जैसे कि ये अप्लाइड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, क्योंकि ना दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं अप्लाइड क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट ईयर आया था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, तो ये पेपर टू में पूछे गए सोसाइटी सोशियोलॉजी पेपर टू में। तो एक्चुअली ये क्या होते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, ये बाउंसर बॉल की तरह होता है, या तो इस पर सिक्सर लगेगा या इस पर आउट हो गए। तो उसके लिए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हम एक देखेंगे, जैसे कि सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ऐसे काफ़ी हम 10-15 जितने भी टॉपिक्स होंगे वो उठाएंगे और हम करेंगे। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस कोर्स को बाय हार्ट फॉलो कीजिए। जो लेक्चर जैसे मैं 10-10:30 बजे डेली अपलोड कर देता हूँ एक लेक्चर सोशियोलॉजी का, तो उसको देखिए जितना भी है, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ ऐसे नहीं बोलता, मेरा एक एक्सपीरियंस यूपीएससी के साथ, आपने देखा मैंने 4 times सोशो के साथ मेंस लिखा है, क्योंकि एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आप वो करिए, पूरा कीजिए, जो भी कोर्स है उसको पढ़िए, साथ के साथ जो भी मैं टॉपिक करवाता हूँ नितिन सांगवान से पढ़िए, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा माइंडसेट हो जाएगा, जो कि आपके यूपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक, आई होप अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, और हमें जो व्हाट्सएप कीजिए, या क्योंकि व्हाट्सएप का वो नंबर हमने दे ही रखा है एक, और टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है एज गुरुकुल, उसमें भी आप भेज सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हाय सर, लोक दिस साइड, हेलो लोक, सेंड योर पोस्ट ऑन टेलीग्राम, आई वांट टू चेंज माय ऑप्शनल फ्रॉम ज्योग्राफी, जस्ट दैट्स गुड, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने भी ये किया है ज्योग्राफी से ऑप्शनल चेंज, ओके, एंड वन आई चूज अमंग पबेड, पॉल साइंस एंड सोशियोलॉजी, प्लीज हेल्प मी आउट एज आई डोंट नो मोर अबाउट द सोशियोलॉजी। सर आई ट्राइड एंथ्रो बट इट्स आउट ऑफ वर्ल्ड, सर विल योर वीडियोज विल बी सफिशेंट फॉर सोशियोलॉजी, आई एम नॉट एबल टू जॉइन एनी कोचिंग। एक्चुअली अलोक जी, ये वीडियोस मोर देन सफिशिएंट है, सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मैं इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर करता जा रहा हूँ। आई थिंक इतना कोई इंस्टीट्यूट वाले भी कवर नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको वो होता है सिलेबस खत्म करना है। जहाँ पे मैं पैशन से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे को मेन वही है भी स्टूडेंट्स का, जो कोचिंग फॉर्मल कोचिंग पे जाने की जरूरत ना पड़े, वो जहाँ पे अपना यूट्यूब खोले, लेक्चर देखे, पीडीएफ डाउनलोड करें, एक उनको मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बता रहे। बाकी अगर फिर भी आपको कोई लगता है ऑप्शनल में, तो ये आई बटन में एक वीडियो देख लीजिएगा, मतलब हमने एक हाउ टू चूज ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, 15-20 मिनट की वीडियो है, तो वो देख लीजिएगा। हाँ, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ जाना चाहते हैं तो आपको कोई फॉर्मल कोचिंग की जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नोट्स की नहीं, ये लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट है। आई होप आलोक जी मैंने आपका डाउट क्लियर किया है, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो यू कैन सेंड अस ईमेल और मैसेज करो, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक आलोक जी।
हाँ जी ये प्रज्ञा जी का है एक, गुड इवनिंग सर, प्रज्ञा त्रिपाठी दिस साइड, आई वॉच योर वीडियोस रिगार्डिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल, आई वांट टू इंक्वायर दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर कवरिंग फुल सिलेबस फॉर दिस मेंस एग्जामिनेशन एज आई हैव नॉट जॉइन एनी कोचिंग रिगार्डिंग दिस। प्रज्ञा जी मैं बार बार वही बोलता हूँ सभी को स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये सिर्फ इस साल के एग्जामिनेशन के लिए नहीं है सोशियोलॉजी, ये आने वाले साल के एग्जामिनेशन के लिए भी सफिशेंट होगा, और जो भी करंट अफेयर्स होंगे जो मुझे लगता है उसके लिए मैं अलग से एक कोर्स स्टार्ट करूंगा। बट पहले मेरी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जो सारे स्टैटिक थ्योरी हैं, जो सारे थिंकर्स हैं, भले वो वेस्टर्न थिंकर्स हो भले वो इंडियन थिंकर्स हो, वो मुझे कवर करने हैं। और ये जो सारा सिलेबस इसमें कवर होगा, अभी तक हमने 22 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो आप 22 वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चलेगा हम पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक को एक एक कंसेप्ट को पूरा उसमें डिटेल में कवर करते हैं, कुछ चीज नहीं छोड़ रहे, और साथ ही कवर करने के साथ साथ हम करंट अफेयर से भी लिंक करते हैं। तो दिस कोर्स इज मोर देन सफिशिएंट, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मतलब ये सिर्फ ये अगर ऐसा कुछ होता तो हमें हम जब फर्स्ट प्लेस में स्टार्ट ही ना करते, अगर स्टूडेंट्स को कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत ही पड़ जाए, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी चीज़ें डिटेल में कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा एक थिंकर खत्म हो चुका है इमाइल ड्रकिन, अब दूसरा कार्ल मार्क्स भी एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, फिर मैक्स वेबर आएगा, तो हम प्रॉपर टॉपिक वाइज प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वाइज चल रहे हैं, ऐसा नहीं एडहॉक भी आज कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं कल कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रज्ञा जी। तो ये सारा जो इनके जो कोर्स जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो कोर्स है हमारा यूट्यूब पे है जो गुरुकुल चैनल पे, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। तो आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा, फिर भी अगर लगता है आपको कुछ डाउट रह गया तो यू कैन सेंड अस ईमेल एंड उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक प्रज्ञा जी, एंड प्लीज़ जब वीडियो सारे देखिए तो आपके डाउट्स जब आप वीडियोस देखोगे ना आपके डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। राम साजन जी, थैंक यू सर, यू आर वेलकम, बट वुड बी अ स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल इन 3 मंथ्स। एंड ये कपिल शर्मा का डाउट है, क्योंकि ये डाउट इन पे आए हैं, मैंने प्रीलिम्स स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाई थी, नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रीलिम्स स्ट्रेटजी पे वीडियो थी मेरी। तो ऑप्शनल में ऑप्शनल मीन्स कुछ ऐसा कुछ नहीं पढ़ना कपिल जी, ये पूरी आपकी डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको लगता है अभी प्रीलिम्स आपका स्ट्रांग है तो आप ये पढ़ सकते हो, अगर नहीं लगता तो प्लीज प्रीलिम्स से फोकस कीजिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो ये ऑप्शनल मेंस इधर दरा का दरा ही रह जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप ये ऑप्शनल मेंस लिख सकते हो। अगर आपको लगता है प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट है तो प्लीज आप कर सकते हो ऑप्शनल मेंस की, क्योंकि अगर आप देखा होगा तो उसमें भी अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से फॉलो करोगे तो आपको फिर भी आप टाइम निकाल सकते हो, अगर मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो डिस्कस की है। वट शुड बी स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल 3 मंथ्स, जैसे राम साजन जी अगर आप कर रहे हो तो डेली हमारी वीडियो देखते रहिए, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ से पहले ही हम ये पूरा ऑप्शनल खत्म कर देंगे। तो आप सिर्फ रिवाइज कीजिए, नोट्स पढ़िए, लेकिन अगर तो मतलब इस तरह आप कर सकते हो भी, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा डालते नहीं, 1-2 घंटे की वीडियो डालते हो और 1-2 घंटे आप निकाल ही सकते हो, कोई वो तो आप जैसे खाना खाते हुए साथ में लेक्चर लगा लिया, या ब्रेकफास्ट कर रहे हो लंच कर रहे हो, तो ये साथ के साथ आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा बहुत सिंपलीफाई करके, क्योंकि मैं खुद जब लेक्चर बनाता हूँ 1 घंटे का, खुद मैं उसको 3-4 घंटे खुद लगाता हूँ पहले, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत सिंपलीफाई करके भी कुछ भी डाउट ना रहे। मैं बहुत सी फिर सोचता हूँ भी इसको करंट की एग्जांपल से कैसे लिंक करूँ, करंट की क्या चीज़ें हों और कैसे इसको मतलब बेटर वे से एक्सप्लेन किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कपिल जी आई होप मैंने, कपिल जी और राम जी आई होप मैंने आप दोनों के डाउट्स क्लियर किए, अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो यू कैन सेंड अस ईमेल और आप हमें मैसेज कर सकते हो एंड यूट्यूब कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स भी कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक राम जी एंड बेस्ट ऑफ लक कपिल जी। निपुण जी, सर आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताओ, विजन 365 टेस्ट सीरीज और कुछ जो सिर्फ आप प्रीलिम्स के लिए करते हो, क्योंकि इतना पड़ा होता है याद नहीं रह पाता, तो क्या स्ट्रेटजी रही है, ट्रिक्स होंगी तो वो भी शेयर कीजिए। मैंने सारी ट्रिक्स निपुण जी, एक मैंने अभी वीडियो अपलोड की है यूपीएससी स्ट्रेटजी, बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स, तो उसमें मैंने वो किया है। मैं ज़्यादातर बिजनेस की टेस्ट सीरीज और एक प्लस एक और टेस्ट सीरीज उठा लेता था, तो मैंने उसमें बताया भी आपको 2-1-2 टेस्ट सीरीज उठा लो प्लस लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन 900 क्वेश्चन को,
तो मैंने ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, मैंने अपनी ट्रिक्स भी डिस्कस की हुई हैं, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, 20 मिनट की वीडियो है, और आपको सारा आपका जो भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप मैंने आपका जो ये क्वेश्चन है उसको आंसर किया। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल करिए या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बेस्ट ऑफ लक निपुण जी। ये ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है सर, जो नोट्स इनफ फॉर मेंस, दीज आर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी पीपीटीज प्लस नितिन सांगवान को आप कवर वो कर दो, मर्ज कर दो, यू विल हैव ए वेरी गुड कंटेंट, वेरी गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। मैं बार बार देखो जहाँ भी मैंने कमेंट लिख किया था। और बीरू जी पूछ रहे हैं एजुकेशन, थैंक यू सो मच सर, कैन यू प्लीज टीच अस सर हाउ टू राइट एसे, हाउ टू डेवलप आंसर राइटिंग स्किल्स आफ्टर कंप्लीटिंग सोशियोलॉजी स्किल। डेफिनेटली उसके बाद मैंने इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, एसे, एथिक्स और आंसर राइटिंग पे। ये देखो मैंने इसमें लिखा है, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है अभी, बट मेरी जो फोर मोस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया है भी आपका मैं 50,000 रुपया यूपीएससी कोचिंग का जो ऑप्शनल की कोचिंग है वो लगने नहीं दूंगा। तो मेरी सबसे फोर मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, मुझे ऑप्शनल कवर करना है। मेरा ही मन है मतलब मैं स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाऊँ, एथिक्स पढ़ाऊँ, लेकिन पहले मुझे ऑप्शनल को सारा टाइम जाता है मेरा। तो अभी मुझे नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट वन एंड हाफ मंथ या टू मंथ्स में मैं जब पूरा ऑप्शनल खत्म हो गया तो उसके बाद मैं इन चीज़ों पे काम करूँगा। बाकी विद टाइम हो सकता है मैं साथ साथ ऐसे की जैसे हाउ टू राइट गुड ऐसे उसकी कोई एक वीडियो अपलोड कर दूँ 1.5 घंटे की, हाउ टू राइट मेन्स तो मेंस की स्ट्रेटजी की कोई वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आप यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देखते रहिए हमारी, और ये मोर देन सफिशिएंट है मेंस के लिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं आपको। तो बेस्ट ऑफ लक वीरू जी, अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे भेजिए मैसेज और या मेल कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक वीरू जी। मनमोहक कृष्ण, आप काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो सर, अपना व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम आईडी दे दो, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर होम और मेरे परिवार में भी कोई ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कोचिंग दे सकता, प्लीज़ हेल्प। तो मनमोहक जी, हमने ऑलरेडी हमारी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक शेयर किया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, और हमारा ऑलरेडी एक नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप नंबर जो 9988441108, जो मेरे फ्रेंड हैं अभिमन्यु धीमन जी वो इसको सारा देख रहे हैं, वो मुझे बताते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, मुझे इसलिए कंटेंट तैयार करना होता है, तो सारा जो भी ये काम है वो अभिमन्यु धीमन जी देखते हैं। तो आप कुछ भी क्वेरीज हैं उनको कहिए, और मेन बात है जो गाइडेंस की बात कर रहे हो, सोशियोलॉजी ऑप्शनल हम पूरा डाल रहे हैं, एंड जो यूपीएससी की कोचिंग की स्ट्रेटजी वीडियो है, मतलब प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, वो आई बटन में आप देख लीजिएगा, यूपीएससी की स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी वीडियो पे मैंने वो डाल रखी है वीडियो, ये आई बटन में अभी वीडियो दिख जाएगी आपको, कैसे प्रेपरेशन करनी है, मेरी प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रही थी। एंड अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग प्रेपरेशन, लाइक अभी मैंने जैसे प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के डाउट होते हैं तो मैंने उसकी भी स्ट्रेटजी एक वीडियो अपलोड की है, तो आप जो आपको जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम इसमें ऐसे नहीं है, एक तो मतलब माइंडसेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज अपलोड करनी, हमारा क्या है भी क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है, भले दिन की 2 वीडियोज अपलोड हो भले 3 वीडियो, लेकिन क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है जो कि यूपीएससी के लिए रेलिवेंट हो। और इन फ्यूचर हम जीएस के कोर्सेज भी डालेंगे, लेकिन अभी फोर मोस्ट प्रायोरिटी वही मैं बार बार कहता हूँ हमारी सोशियोलॉजी ऑप्शनल खत्म करने की। तो बेस्ट ऑफ लक मनमोहक जी, अगर लगता है फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप हमें मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए एंड टेलीग्राम पे सेंड कीजिए जो भी अपनी क्वेरी है, तो हम डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एजुगुरुकुल टेलीग्राम का चैनल है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक ये रहा, और लिंक हम इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेरीज आप ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो edugurukul93@gmail.com पे ईमेल भेजिए। तो थैंक यू क्लास, तो आप हमें ईमेल्स भेजते रहिए ताकि हम जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहेंगे, ताकि क्योंकि जो डाउट्स आपको आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे भी आए थे जब फर्स्ट ईयर में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस से वो बताऊंगा कि कैसे वो टैकल किए। एंड और इस तरह अगर आप डाउट्स पूछते हो तो और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाती है।
तो आप डाउट पूछिए, हम उसको आंसर करेंगे अपने बेस्ट जितना हो सकता है। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि ये जो यूट्यूब का एक फ्री एजुकेशन का जो हमने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का एक मिशन एक एम सोचा है, इनिशिएटिव सोचा है, उसको हम सक्सेस बना सके। तो थैंक यू क्लास।